लाई हुई है जी खेत में जी, लेकिन सब चौपट कर गए जी। बंदे जी अंकल जी, जो पिछले साल आपकी मिर्च कितने की हुई, छोटी सा परिचय दीजिए। राजेंद्र सिंह जी जी, ग्राम डुंगरा जी, भूतपूर्व अध्यापक जी, रिटायरमेंट जी। थोड़ा आप ये गांव के बारे में बताएंगे, कितना आपके गांव प्लान हो चुका है? प्लान तो लगभग सभी हो चुका है यहाँ जी। हाँ तो अंकल जी, जो पहले पहले के समय में और आज के समय में पहले प्लान काम था? हाँ हाँ, पहले जो पहले खेती पाती करते थे लोग बाग जी, और खूब अब मेहनत पर लगे रहते थे जी, और घर में ही अपना उनका भोजन सारा व्यवस्था हो जाती थी जी। लेकिन आजकल ये जंगली जानवरों ने वो कर दिया बहुत ज़्यादा परेशान जी। बंदर नहीं आ रहे हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं जी। ये लंगूर हो गए, और पहले इधर वो नहीं आते थे, ये सूअर जी, आज वो भी मतलब वो भी कर रहे हैं खेती को बर्बाद, नुकसान सारा जी। जैसे कि अंकल जी, अभी हमारी चर्चा हो रही है खेती पे, तो पड़े बंद होने से कितनी हानि हुई हमारे यहाँ पे? अब हानि तो हो ही गई बहुत ज़्यादा जी, आवारा हो गए पशु बहुत सारे जी। और ऐसी है, पहले लोग बाग अपने खूब स्वस्थ रहते थे, बट्टा व्यापार चलता था ना बैलू से। हाँ जी, तो ऐसे ही होता था, आजकल अब लोग ऐसे ही वो कर दे रहे हैं जी। अब जैसे कि पहले लोग दिल्ली काम ही जाते थे, अपना घर से खेती बाड़ी, हाँ, कुंटलों अनाज बोते थे, बिल्कुल गेहूं खाते थे, शुद्ध खाते थे, शुद्ध पीते थे, जनर पीसते थे। हाँ, आज लोगों के पास पैसा है लेकिन वो मशीन में ले जा रहे हैं, सड़ा सा पीस के ला रहे हैं, हाँ, लेकिन उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। और आजकल दूध पी रहे केमिकल वाला मिला हुआ जी, जो कि एक महीना है वो पाउडर पाउडर मिला बुलू करके, मतलब उससे स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है उनका जी। अगर आज के समय में अच्छा चीज अगर खा रहे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो रही है, हाँ, उनकी जो अंदर जो ताकत है उसको हाँ, नहीं बचा पा रही है। हाँ, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है जी। हाँ जी जी, तो अंकल जी, आपके यहाँ पर जैसे आपने अभी आपके डुंगरा गाँव में कितने परिवार हैं अभी? बहुत मतलब पहले तो 50-60 मुआवजा था, फिर जी अब कमी हो गई जी। जो कम हो रखे यहाँ पे तो वो लोग यहाँ पे खेती करते हैं कहाँ, वो सब प्लाइन हो गए नहीं, जो अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे अभी गांव में मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं वो तो अभी कर ही रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने यहाँ पे कौन सी खेती डाल रखी है? हम सभी बोते हैं अभी। अभी कौन सी खेती चल रही है यहाँ पे? अभी अभी मिर्च बोई जा रही है जी, और उसके बाद मिर्च के बाद ये बोए हैं, ये लाई हुई है जी खेत में जी, लेकिन सब चौपट कर गए जी। बंदे जी, अंकल जी, जो पिछले साल आपकी मिर्च कितने की हुई? मिर्च तो सब सूंगर कर गया, सब साफ मतलब उसको पलटा दिया, सूंगर ने नुकसान कर दिया सारा बस जी। तो अंकल जी, पहले से होता था कि गांव घर में जब एक रौनक रहती थी, हाँ, तो शाम के वक्त लोग वहाँ कंटर लेके जाते थे, हाँ, उनको भगाने के लिए, हाँ, है ना, हाँ, तो क्या होता था कि सूंगर भाग जाता था रोटी खाने के बाद, भगाने एक आध दो घंटे तो सूंगर भाग जाता था, तो इतना नुकसान नहीं होता था, हाँ, तो आज के समय में लोग है नहीं घर पे बस, तो सूंगर बंदर भी नज़दीकी हैं, कहीं घास के नीचे छुप रखे हैं, कहीं बंजर खेतों में छुप रखे हैं, तो उससे इंसान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है अंकल, है नहीं है बहुत ज्यादा जी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जंगली पशु बाघ हो गए जी, ये हो गए सारे, ये दिन में ही आ जा रहे हैं जी, दिन में ही जी, इससे क्या होगा। तो यहाँ लोगों ने बकरी भी पाल रखे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, चलो तो वो जी है जोगिनी मार्ग जी ने उन्होंने। तो अंकल जी, जैसे कि आप बता रहे हो यहाँ पे दिन में ही उसने गोरू को मार दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने इंसान पर अटैक किया? मारकुट, हाँ ये मारकुट, हाँ बाड़ी को डिकेशन इधर इन पर किया, अटैक किया, हाँ, हाँ, अच्छा वो लड़की ही वो कर, अच्छा अच्छा जी। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? हमारे तो 74 74 साल। तो अंकल जी, आप बता रहे हो कि मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है, तो कभी अपने लाइफ में अपने भूत वगैरह वगैरह देखे? भूत, हाँ हाँ भूत भी देखे थे। अच्छा, तो कभी जो तुमने देखे मतलब अपने आंखों से देखे भूत देखे? हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब एक ऐसा वो रहता है अगर अचानक कोई उनसे मिलता है तो क्या रहता है, रिएक्शन क्या रहता है? थोड़ा वो फिर उन पर वो आ जाता है,
अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी मैंने पहले इंटरव्यू लिया था किसी का यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एहड़ी चलती थी और गांव में उनका बड़ा वो था करके बहुत परेशान करते थे। अब तो मतलब पहले वाले लोगों ने साथ भी दिया उसको, रास्ता वो कर दिया। हाँ, तो मैं उसी के बारे में वचन भी दे गए जी, आज से यहाँ से नहीं आऊंगा। हाँ, तो मैं उसी की कहानी आपके मुखागर बिंदु से सुनना चाहता हूँ। तो वो एहड़ी का क्या रोल था, क्या परेशान करती थी लोगों को, स्थानीय लोगों को क्या परेशान करती थी? परेशान क्या मतलब, जैसे कोई मतलब यहाँ पर अब उखल उखल फूक रहे हैं ना जी, तो उसमें क्या कर रहे थे, वो आ जाता था डर के मारे सब वहाँ से भाग पड़ते थे जी। हाँ जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं परसों दिल्ली से आ रहा हूँ, तो आपको दिल्ली अच्छा लगता है या गांव अच्छा लगता है? हमको तो गांव ही अच्छा लगता है जी, अपनी जन्मभूमि बस जी। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमको जानकारी दी। तो नमस्कार, पहला